फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगी लिक्विड फर्टिलाइज़र पे, जो मैं हर वीडियो में बताती हूं। फ्रेंड्स, सरसों की खली, नीम की खली मैं 10 दिनों के लिए भिगोती हूं और सारे प्लांट्स को देती हूं हर 20 दिन पे। तो इससे मेरी प्लांट का ग्रोथ भी बढ़ती है और ढेरों ब्लूम भी आते हैं। आप देख पा रहे हैं मेरे प्लांट ग्रोथ पे भी हैं और कितने सारे फूल भी खिले हुए हैं। जो फूलों के प्लांट होते हैं फ्रेंड्स, उनमें फूल भी आने लगते हैं। जो वेजिटेबल प्लांट हैं, उनमें फल भी आने लगते हैं। तो बहुत ही बढ़िया खाद होते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए मैं आप सभी फ्रेंड्स को दिखाती हूँ सरसों की खली, नीम की खली। तो फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हैं ये नीम खली है। तो ये पिसा हुआ भी मिल जाते हैं पैकेट में, तो मेरे यहाँ इस तरह का मिलते हैं। और ये है सरसों की खली, आप देख पा रहे हैं। तो इस तरह के अगर मिलते हैं फ्रेंड्स, तो इन्हें पानी में भिगो के मैं लिक्विड बना लेती हूँ। तो मेरे यहाँ इसी तरह के मिलते हैं। ये है नीम खली और ये है सरसों की खली। मैं इन दोनों को 1-1 kg ली हूँ। 1 kg मेरा नीम खली है और 1 kg सरसों की खली है। दोनों को मैं साथ में एक बाल्टी में पानी लेती हूँ और उस पानी में मैं दोनों को 1-1 kg डाल देती हूँ और ढक के उन्हें भिगो लेती हूँ 10 दिनों के लिए। 10 दिन के बाद उनमें वाटर ऐड करके पानी मिला के मैं सारे प्लांट्स को दे देती हूँ। इससे ग्रोथ भी बढ़ती है प्लांट की और ढेरों फल फूल भी आते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इस तरह से कर सकते हैं। 1 kg आप नीम खली ले लें और 1 kg आप सरसों की खली ले लें और दोनों को साथ में भिगो लें 10 दिनों के लिए। और फिर 10 दिन के बाद पानी मिला करके सारे प्लांट्स को दे सकते हैं, जिनसे आपके प्लांट की ग्रोथ भी बढ़ेगी और ढेरों उनमें फूल भी खिलेंगे। तो होप करती हूँ वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो उसे भी कर लीजिए। फिर मिलती हूँ, नमस्कार।